नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की मार झेल रही है। ऐसे में हर किसी की निगाह इस बात पर है कि इस वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन कब तक तैयार होगी, क्योंकि अलग अलग देश वैक्सीन बनाने के प्रयोग में लगे हुए हैं। तो भारत भी कोरोना वायरस के डंक को मारने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच कोरोना के टीके को लेकर भारत की एक कंपनी ने बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, टीके बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रविवार को कहा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विकसित कोविड 19 टीके की उसकी 2 से 3 सप्ताह में उत्पादन शुरू करने की योजना है। अगर इसका मानव पर परीक्षण सफल रहा तो अक्टूबर तक ये टीका बाजार में आ जाने की उम्मीद है। पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन 7 वैश्विक कंपनियों में शामिल है जिनके साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टीके के उत्पादन के लिए साझेदारी की है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनीवाला ने कहा है कि हमारी टीम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर करीबी से काम कर रही है। हमें अगले 2 से 3 सप्ताह में इसका उत्पादन शुरू कर देने की उम्मीद है। पहले 6 महीने उत्पादन की क्षमता प्रति माह 50 लाख खुराक की रहेगी। इसके बाद हमें उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह 1 करोड़ खुराक कर लेने की उम्मीद है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मलेरिया टीका परियोजना पर काम कर चुकी है। पुणे वाले ने कहा है कि हमें कोविड 19 टीके के सितंबर अक्टूबर तक बाजार में आ जाने की उम्मीद है, बशर्ते कि टीके का परीक्षण आवश्यक सुरक्षा और पर्याप्त प्रभाव के साथ सफल हो जाए। हम अगले 2 से 3 सप्ताह में इस टीके का परीक्षण भारत में शुरू कर देंगे। यानी जब जल्दी भारत में कोरोना पर वार करने वाला हथियार जमीन पर उतरने वाला है, जो सफल होने पर दुनिया को भारत की ताकत का एक बार फिर से एहसास जरूर कराएगा। वैसे भी जब भारत ने संकट की घड़ी में दुनिया के बड़े से बड़े देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा दी तो उन्होंने भारत का आभार जताया था। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े से बड़े देश भारत की कोरोना से निपटने वाली व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है वैसे हालात भारत में नहीं है। दरअसल भारत में कोरोना के टीके का परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरियां लेने की प्रक्रिया चल रही है। इस टीके का विनिर्माण पुणे स्थित संयंत्र में किया जाएगा। कोविड 19 के टीके बनाने के लिए यदि अलग से संयंत्र बनाया जाए तो इसमें करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे। कंपनी इस टीके का पेटेंट नहीं कराएगी और इसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की कंपनियों के लिए उत्पादन और बिक्री करने के लिए उपलब्ध कराएगी। खैर, भारत की नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खुशी की बात है कि कोरोना के टीके के काम भारत में तेजी से शुरू हो गया है और जल्द ही जमीनी हकीकत में दिखने वाला है। जिस तरह से भारत कोरोना काल में एक इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।